हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, दिनेश यादव जी का ये मैसेज एक कमेंट आया हुआ है मेरे को। उन्होंने पूछा है कमेंट में कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर जब ये बना रहे हैं तो क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया है मुझे, लिखा है कि सर मुझे एमएस एक्सेस में 5 अलग अलग आइटम्स को अलग अलग दिनांक पर जोड़ना पड़ता है और अलग अलग दिनांक पर घटाना पड़ता है, तो इसे कैसे किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैं बना करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे डेटा टाइप मैंने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी है, प्रोडक्ट नेम भी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं शुरू से ये वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। और यहाँ बेनिफिट है, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ पहले से, ये आपको करना होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आती है, वीडियो में कोई दिक्कत होती है, तो मैं शुरू से एक और वीडियो बना दूंगा। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इतना काम किया है तो शुरुआत की तो जानकारियाँ होंगी होंगी कि कैसे हम डेसिमल में नंबर्स को लिख सकते हैं, यूनिट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी ही होंगी। चलिए अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो है इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है। ठीक है, क्रिएट और क्वेरी डिज़ाइन पे जाने के बाद ये जो हमने टेबल बनाया है इसको हमको यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है। ठीक है, और यहाँ से लाइन वाइज इंसर्ट कराते चलेंगे। प्रोडक्ट नेम, प्राइस परचेज, यूनिट, टोटल प्राइस परचेज वाली। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखता भी रहेगा। टोटल प्राइस परचेज हम पहुँच चुके हैं, टैक्स इन परसेंट। ठीक है, फिर टैक्स अमाउंट, तो ये टैक्स अमाउंट और टैक्स इन परचेज दोनों हमने इंसर्ट करा लिए हैं। ठीक है, और अब परचेज डेट, सेल्स की प्राइस, यूनिट, टैक्स इन परसेंट, ये सारी चीजें इंसर्ट कराते चलेंगे हम। ठीक है, टैक्स इन परसेंट, इन सेल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंसर्ट करें। और ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे टैक्स इन परसेंट, सेल वाली टैक्स इन परसेंट हमने लगा ली है, टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और एट लास्ट यहाँ पर टैक्स अमाउंट को लेने के बाद टोटल सेल अमाउंट यहाँ पे आएगा, और ये एकदम लास्ट में बेनिफिट हम यहाँ पे निकालेंगे। कोई बात नहीं, टैक्स अमाउंट सेल, और टैक्स अमाउंट सेल के बाद टोटल सेल अमाउंट और बेनिफिट, सब कुछ है हमारे पास। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक एक चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए चलना है। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो एक मिलान से बैठिए और देखिए, इसको यहाँ पर रखिए कर्सर को, टोटल प्राइस हमें निकालनी है। जूम व्यू पे ले और यहाँ से आप कोलन लगा लीजिए, कोलन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, लिखना क्या है यहाँ पे, प्राइस परचेज लिखना है, यहाँ लिखिए प्राइस। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखिए परचेज। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब प्राइस परचेज में से आपको करना क्या है, ये प्राइस परचेज है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट, तो यूनिट कहाँ पे है, तो यूनिट परचेज लिखा हुआ है हमारे में, तो यूनिट परचेज मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में परचेज। ठीक है, इतना कर लेने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया, पहला हमारा आइटम कैलकुलेट होकर आ जाएगा इससे। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक है, टैक्स इन परसेंट, ठीक है, ये टैक्स इन परसेंट है, और यहाँ पे है टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, परचेज का टैक्स अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोलन लगा लीजिए, और जो टोटल प्राइस परचेज वाली आएगी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल प्राइस। ठीक है, और ब्रैकेट में परचेज, तो परचेज जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है इसको, थोड़ा यहाँ से के प्रेस करके और थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। ये रहा, तो ये है टोटल प्राइस, PURCH। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए ये लिखते हैं टोटल प्राइस, तो प्राइस का P कैपिटल है, ये सब बातें ध्यान दीजिए। ये प्राइस और परचेज, तो परचेज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मैंने लिखा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए यहाँ पे
आर छूट गया, बस आर लिख देते हैं, बाकी सब सही है। इसको बंद कीजिए और टैक्स अमाउंट चूंकि हमें कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, टैक्स अमाउंट से, ठीक है। तो टैक्स इन परसेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि टैक्स इन परसेंट, और टैक्स इन परसेंट लिखने के बाद यहाँ पर परचेज का ये है, तो यहाँ पे आपको परचेज भी लिखना होगा। एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं परचेज किस तरह से लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा ही परचेज लिखा हुआ है तो ऐसे ही हमको भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए टैक्स इन परसेंट और आगे परचेज जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, PURCHASE, ठीक है, ये परचेज लिख दिया हमने। और यहाँ से क्लोज कर दीजिए इसको, और इसको भी क्लोज कर दीजिए, और इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, क्योंकि परसेंट 100 पे ही कैलकुलेट होता है, तो ये हमारा आकर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉलम में परचेज डेट तो हमें खुद से लिखनी होगी, सेल प्राइस भी हम खुद ही निर्धारित करेंगे, सेल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, कुछ छुट्टी नहीं हुई है। यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट जो है पहले आना चाहिए था, बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस, ये जो सेल प्राइस होगी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिट सेल, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूनिट सेल, SALE, इसी से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सही से लिख लेते हैं, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए लिखते समय, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सेल अमाउंट भी आ गया हमारा, अब हमको क्या करना है, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो टैक्स अमाउंट बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने परचेज वाले में कैलकुलेट किया वैसे सेल वाले में कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, टोटल सेल अमाउंट को ले लेना है। तो टोटल सेल और अमाउंट ले लीजिए आप, और टोटल सेल अमाउंट लेने के बाद यहाँ पे टोटल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। टोटल सेल अमाउंट लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स इन परसेंट सेल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स इन परसेंट और यहाँ पे ब्रैकेट में सेल, SALE, ठीक है, और इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा तो होगा, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, और ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने कर लिया, और इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, ठीक है, तो ये टैक्स भी आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ कैलकुलेट हो गया, अब हमें सिर्फ बेनिफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से जाइए और जूम व्यू पर चले जाइए, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए बेनिफिट, ठीक है। तो बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर पहला काम ये करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। यहां पर टोटल प्राइस परचेज लिखा हुआ है तो यही हमें लिखना है, तो यहां लिखता हूं टोटल प्राइस, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और परचेज लिखना है। तो परचेज जैसे लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, PURCH, ठीक है, वैसे ही आप लिख दीजिए PURCH, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसको क्लोज किया। टोटल ये परचेज की प्राइस है, ठीक है, तो जो सेल हुई है प्राइस उससे परचेज की प्राइस को माइनस कर दीजिए। तो अब सेल वाला क्या लिखा हुआ है ये हमको ध्यान देना है, टोटल सेल अमाउंट से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने टोटल सेल अमाउंट, ठीक है, AMOUNT, इससे इसको माइनस कर दीजिए और काम हो जाएगा, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर ये लगभग बन करके तैयार है, क्रिएट, यहाँ से रन पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए प्राइस परचेज जो हमने लिखा था, प्राइस परचेज एक बार देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है, ये देखिए यहाँ पे गैप हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे गैप नहीं रखना है आपको, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो ये सब कुछ आ गया हमारा। अब इस सॉफ्टवेयर को हम एक रूप देने जा रहे हैं, जैसे ये पार्ले जी का बिस्किट है, तो 40 आइटम
ठीक है, 33 आइटम हमने खरीदा और एक आइटम 40 रुपए का, तो उसके हिसाब से ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हमने ड्रॉपडाउन बनाया है, आपको ड्रॉपडाउन बनाना आना चाहिए तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ड्रॉपडाउन जो बनाया हमने, अब इसमें तीन प्रकार के टैक्सेस लगाए गए हैं। अब ये जो भी टैक्स लिखा हुआ ये परसेंट में है, तो अगर सपोज कीजिए इस पर 18% टैक्स लगता है तो ये देखिए टैक्स अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है परचेज डेट, तो जैसे ही इस डेट पे जाएंगे आप तो परचेज देखेंगे कि यहाँ एक कैलेंडर सा जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी परचेज डेट है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल की प्राइस क्या है, कितने रुपए में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने खरीदा कितने का है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 40 का खरीदा है तो निश्चित रूप से 40 से ज्यादा का ही सेल आप करेंगे, तो यहाँ पे 42 रुपए का सेल कर रहे हैं आप, ठीक है। और सपोज कीजिए कि आपने जितना भी आइटम खरीदा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 35 आइटम परचेज किए थे, इसमें से 20 आइटम आपने सेल कर दिए हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे टैक्स इन परसेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स इन परसेंट है ये सेल का है, ठीक है, किसका है, सेल का है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि ये सेल का है। यहाँ पे देखिए बेनिफिट भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये 18% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स भी इस पे कितना लगा हुआ ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पर आएंगे, अब जैसे मान लीजिए कीबोर्ड खरीद लिया, कीबोर्ड, ठीक है, और कीबोर्ड की जो प्राइस है वो एक कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए प्राइस है, और आपने 120 कीबोर्ड खरीदे तो उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे, और टैक्स इन परसेंट इस पर थोड़ा ज्यादा 24% का टैक्स लगा देते हैं तो ये टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। अब चूंकि 220 रुपए का आपकी खरीद रेट पड़ रही है तो आप जब भी बेचेंगे तो उससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हम सेल प्राइस देंगे, ठीक है, तो यहां पर हम 220 का खरीद रहे हैं तो हम इसको सेल करते हैं 300 रुपए का, ठीक है, ये 300 रुपए का सेल किया हमने। और सपोज कीजिए कि इसमें से हमने 29 यूनिट सेल कर दी है, तो 29 यूनिट का हिसाब से यहाँ पे जो है टैक्स इन परसेंट और ये तो यहाँ पे आ ही जाएगा। अब देखिए बेनिफिट नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि जो हमने अमाउंट खरीदा था, जितने का खरीदा था, उतना अभी तक हम बेच नहीं पाए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो अमाउंट जब सेल हो जाएगा तो वो भी सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बेनिफिट नहीं आ रहा हमारा, जब तक कि पूरा अमाउंट हम बेचेंगे नहीं बेनिफिट हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने खरीदा माउस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माउस MOUSE, ठीक है, और आपने एक माउस खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, और आपने कितना खरीदा, 20 माउस खरीदा है, ठीक है, और 20 माउस 100 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए आ गया, और इस पे टैक्स भी इसी 2000 में टैक्स भी होगा, तो जैसे सब कुछ 24% टैक्स लग रहा है इस पे, तो 480 रुपए टैक्स भर दिया आपने उसी 2000 में, 480 रुपए टैक्स लगा। और यहाँ से डेट जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी डेट हो वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल की प्राइस देखिए, अब 100 रुपए का आपने खरीदा है लेकिन बेच कितने कर रहे हैं, 200 रुपए का बेच रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 रुपए का बेच रहे हैं, कितना यूनिट बेच रहे हैं, पूरा का पूरा 20 यूनिट आपने बेच दिया, कितना बेचा, 20 यूनिट। जब 20 यूनिट बेच देंगे आप तो यहाँ पर 24% टैक्स है, तो अब यहाँ पे आपको बेनिफिट शो होने लगेगा, देखिए बेनिफिट आ गया प्लस में। इस तरीके से आप बेनिफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसको चाहे तो फॉर्म का रूप एक प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे, पहले मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब इसको यहाँ क्रिएट पे जाइए और यहाँ पर दिया हुआ है मोर फॉर्म्स, यहाँ पर आ जाइए, फॉर्म विजार्ड पे आ जाइए, इसको यस करिए। मैं इसको सॉफ्टवेयर के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर मैंने दे दिया और यहाँ पर ये सारी चीजें एक बार में यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आप डेटा को जिस भी फॉर्म में रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, ले लिया आपने। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तमाम चीजें आ रही हैं, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं फिलहाल कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इक्विटी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इस फॉर्म में कोई मॉडिफाई तो मैं करना नहीं चाहता, तो फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इस तरीके से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का डायग्राम क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं आपके पास, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं, तो यहाँ से डिजाइन व्यू पे ले लीजिए। डिजाइन व्यू पे क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं अपने हिसाब से इसमें डिजाइन क्रिएट कर सकूँ, अपने हिसाब से चीजें लगा सकूँ, इस वजह से मैं इसको डिजाइन व्यू पे ले रहा हूँ। यहाँ से इसको भी थोड़ा नीचे कर लूंगा, यहाँ पे हमें बटन्स वगैरह बनाने हैं तो वो सारे बटन्स भी हम बना के देखेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर नाम दिया है हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, ठीक है। और एक कलर अलग से इसमें प्रोवाइड कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ये कलर हमने प्रोवाइड कर दिया, और इसका जो कलर है ये हमने कर दिया रेड, ठीक है। अब ये दिखाई पड़ेगा। इतना कर लेने के बाद यहाँ से हम एक सर्च बॉक्स बनाना चाहते हैं,
तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए आप और यहाँ से एक सर्च बॉक्स बना लिया हमने। देखिए बहुत ही कमाल का ये सर्च बॉक्स होगा, ठीक है। अब कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे उसी के बेस पे हम सर्च करना चाहते हैं, चाहे कोई भी आइटम हो, ठीक है। यहां से क्लिक कीजिए और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमको सारी चीजें तो लेनी नहीं है, हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है। इसी के बेस पे हमारी सारी प्राइस और सारी चीजें चेंज हो जाए। तो मैंने सिर्फ क्या ले लिया है, प्रोडक्ट नेम ले लिया है, ठीक है। ओके किया हमने, ये तीन ही प्रोडक्ट फिलहाल हमने लिखे हैं, और भी चाहे तो प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, पांच आइटम्स की बात उन्होंने करी थी, आप वहां पे पांच आइटम भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको थोड़ा व्यवस्थित एडजस्ट करना होगा, इसको इधर करेंगे हम, और ये जो प्रोडक्ट नेम है इसको थोड़ा यहां से बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है इसका कलर रेड कर देते हैं हम, और ये जो बॉक्स है इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे वन आ रहा हुआ है लिखा हुआ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड भी कर देंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। इतना कर लिया हमने, नीचे चाहे तो आप बटन्स भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बटन आइए दिखाता हूं। ये बटन जो है इस पर क्लिक करिए आप और यहां से खींच दीजिए इसको, ठीक है। और यहां पर देखिए तमाम चीजें आ रही हैं, पहले तो आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है या फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का यहाँ बटन बना रहा हूँ, ठीक है। हम इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ आए ऐसा हम चाहते हैं, हम पिक्चर कोई नहीं चाहते, ये ले लिया हमने, और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दिया, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक हमारे पास बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, आगे बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद यहां पर जब आएंगे तो यहां पर हम एक और बटन बना लेते हैं। जैसे बटन किस चीज का बनाएंगे हम, इस बार हम किसी और चीज का बटन बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं अंडो का बटन या कुछ डिलीट करने का बटन या कुछ और भी बटन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ओपन का बटन बना सकते हैं हम या प्रिंट का बटन बना सकते हैं, कोई भी बटन हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पर बटन बना रहा हूं डिलीट रिकॉर्ड का, ठीक है, या सेव रिकॉर्ड का भी बना सकते हैं, तो डिलीट रिकॉर्ड या एड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने और यहां से टेक्स्ट रखेंगे हम, ठीक है। ओके और ओके करेंगे तो ये हमने कर लिया, ठीक है। और यहां से इसको हम सेलेक्ट करके एक कलर प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ये रेड कलर कर दिया हमने, इसी तरह से और भी बटन आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी के साथ ये बटन बन जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे फिर बटन पर क्लिक किया हमने, एक और बटन बना लेते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड, एक बटन तो हमने बनाया ही है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का एक और बटन बना लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, और इसको भी टेक्स्ट ही रखेंगे हम, ठीक है, फिनिश कर देंगे, तो ये गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का एक और बटन बन करके तैयार हो गया। इस तरह से हम बटन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें हम आपको, ठीक है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का जो पूरा बटन है इसको एक कलर हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसको थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि ये सही से दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है। और यहां से अब व्यू पे क्लिक करिए आप और फिर नजारा देखिए, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। यहां से आप सेलेक्ट करिए, आप कीबोर्ड का टोटल हिसाब किताब देखना चाहते हैं, या देखिए पूरा हिसाब किताब कीबोर्ड का आ गया, ठीक है। एड रिकॉर्ड करेंगे तो नया रिकॉर्ड आप एड कर सकते हैं, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट का नाम एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां एंटर किया हेड फोन, ओके, ये कर दिया हमने। और जैसे मान लीजिए हेडफोन की प्राइस है 700 रुपये, ठीक है, और पांच आइटम आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो पांच आइटम खरीद रेट क्या आ गई, जो भी खरीद रेट आएगी वो यहां आ जाएगी। अब यहां पर टैक्सिंग कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, तो यहां पर ड्रॉपडाउन से आप टैक्स यूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 18% इस पर टैक्स है, इन्हीं तीनों में से कोई एक टैक्स आएगा, तो 630 रुपये टैक्स अमाउंट आ गया। कितने तारीख को आप खरीद रहे हैं यहां से आप चूज कर सकते हैं, यहां से आप ईयर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 2019 में खरीदा हो तो यहां 2019 कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। सेल की क्या प्राइस है, जैसे आप 700 का खरीद रहे हैं तो 850 या कुछ ऐसे बेचेंगे, तो यहां 850 इसकी वैल्यू लगा दी मैंने। अब यूनिट जो है, जैसे मान लीजिए कि 6 यूनिट आपने सेल की बेच दी, ठीक है, तो 6 यूनिट बेच दी तो यहां टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, और टैक्स इन परसेंट जो दिया हुआ है तो यहां पर टैक्स इन परसेंट भी लगा देते हैं हम, 18% टैक्स है या जो भी टैक्स आपको देना है वो यहां से लगा सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से करके आप मान लीजिए प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, ये सारा कुछ आ गया है यहाँ पे, बेनिफिट भी 1600 शो कर रहा है, प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए तो ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड का आ गया। अब अच्छा कीबोर्ड का नहीं देखना था, पार्ले जी का देखना था तो यहाँ पार्ले जी का डिटेल आ गया, यहाँ पे माउस का देखना था तो यहाँ से माउस का डिटेल ले सकते हैं आप। इस तरह से करके आप पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और इन लॉकडाउन के सीजन में मैं आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बनाना सिखा दूंगा, ये माजरा ही खत्म कर दूंगा कि आप एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर जो बनाना है आप घर ही से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि फ्री में ये बात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।